आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दें कि जब खत्म नबूवत का मौका आया, फैजाबाद में गोलियों की तत्राहट थी और आपका कायद और हम सब का कायद वहां पर बैठकर कह रहा था कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वो जब गोलियों की तड़तराहट और वो किसी तमीज के बगैर हर किसी के जिस्म में घुस रही थी, तब आपका कायद बैठकर कह रहा था खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देते हुए कि तुसी बच्चे लगते हो, असा ये हाथ रसूलुल्लाह दे नाम ना बुलंद कीता, लबैक दा नारा लाया, असी इस हाथ से इस्तीफा लेके वापस जाना। आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को इसलिए वोट दे कि जब आसिया मलूना वो गुस्ताख़े रसूल ने जब उसको रिहा किया, पाकिस्तान में रिहा किया गया और बाहर मुल्क भेजने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले अपनी व्हील चेयर के साथ बाल रोड पर जो आया उसका नाम खादिम हुसैन रिज़वी है और उसकी जमात के नुमाइंदे हम आपके पास आए बैठे हैं। आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को इसलिए वोट दें कि आपकी बेटियों को स्टेजों पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नहीं रचवाया, आपकी इज्जतों पर किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले ने नहीं हाथ डाला, आपके बच्चों को इस्लामाबाद पर गोलियों से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नहीं भूना, बल्कि जब भी कोई मौका बना आलम कुफर की आंखों में आंखें डालने का, तो सबसे पहले जो मैदान अमल में आई उसका नाम तहरीक लबैक पाकिस्तान है। और जब बडेरा शाही जुल्म जबर और बड़े बड़े जालिम कोई अपने खिलाफ खड़े होने बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो उस टाइम में एक व्हील चेयर में बाबा आगे आया, उसने कहा गुंडो तुम कौन होते हो हुजूर की उम्मत का खून लोचने वाले, तुम कौन होते हो रोटी कपड़ा मकान के नारे पर उम्मत के लिबास को और पाकिस्तानियों को तार तार को उतारने वाले, तुम कौन होते हो, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लोगों ने कहा जी सियासत के लिए बड़े बड़े नाम क्या है, डेरे होंगे तो फिर बात चलेगी, हमारे कायद ने कहा नहीं। लोगों ने कहा सियासत के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां और लैंड क्रूजर होगी तो तब कंपेन चलेगी, मेरे कायद ने कहा नहीं। मेरे कायद ने कहा तुम्हें मैं बताता हूँ अल्लामा इकबाल की ज़बानी कि हमारी कंपेन हमारी सियासत कैसे चलेगी, हम उम्मत को कैसे जगाएंगे, तो अल्लामा इकबाल की ज़बानी बताकर कहा आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। रखा बाबा जी ने कहा जरा मैं तुझे बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीर सुना।